तो इधर एक कद्दू, ये बैंगन, टेढ़ा बैंगन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं शाहिर अली और आप देख रहे हैं डेली शाहिर व्लॉग। तो दोस्तों आज क्या दिन है, आज है मंडे, सही बोला ना। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूं कुछ शॉपिंग करने, नेस्टो सुपरमार्केट, जो पकवान का जो सामान होता है वो ख़त्म हो गया है, जैसे कि चावल और तेल, तेल तो है बाद में लेते हैं, लेकिन जो भी सामान हमको अभी चाहिए तो वो हम अभी लेने के लिए जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में, आपको भी दिखाते हैं कि हम क्या क्या खरीदते हैं वहाँ से। वहाँ पर इंडिया का भी सामान मिलेगा, इंडिया की मिठाई भी मिलेगी, तकरीबन इंडिया का सामान मिलता है, केरला का, केरला से तकरीबन सामान आता है वहाँ पर। नेस्टो सुपरमार्केट भी बोलते हैं, नेस्टो हाइपरमार्केट भी बोलते हैं। तो भाई लोग जो आप लोग कमेंट कर रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्स करने के लिए और मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर। तो कल एक हमारे पाजी ने हमको मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, वो पूछ रहे थे डिटेल्स इधर का ड्राइविंग में, वहाँ पर क्या होता है, शुरुआत में क्या काम लगता है। तो शुरुआत में दोस्तों आपको अरबी बात नहीं आती है, मैं गाड़ी अभी चला रहा हूँ क्योंकि जा रहा हूँ मार्केट को, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर ड्राइविंग में जब आते हो आप, तो हाउस ड्राइविंग में खास करके नया नया फर्स्ट टाइम सऊदी आ रहे हो, तो आपको अरबी मालूम नहीं होती है, अरबी आपको समझ में नहीं आती है। जब ये लोग बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि आपसे कुछ गुस्से में बात कर रहे हैं, झगड़ा आपसे कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे को भी पहले ऐसे ही हुआ, मैं भी ऐसे ही नाराज होता था हर बार ये कुछ मेरे को बोल रहा है। तो यहाँ गाली वाली ज्यादा यूज नहीं होती है, गाली नहीं देते हैं यहाँ, बोलते बस हुमार या खल, यानी हुमार यानी के गधे को बोलते हैं, खल्ब यानी के कुत्ते को बोलते हैं, ये दो ज्यादा बात होती है बस। इसके अलावा अपने जैसा इंडिया में बकवास करते हैं ना, ऐसा कुछ होता नहीं है इधर। तो यही होता है दोस्तों, शुरुआत में अब आओगे तो आपको थोड़ा ज्यादा काम लगेगा, आपको ज्यादा घुमाएंगे, फिर आपको गाड़ियां धोने लगाएंगे, आपको जो बाहर आंगन में पानी मारने लगाएंगे, क्योंकि आपको ट्रेनिंग करते हैं ये लोग, चेक करते हैं कि आप काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो कुछ बंदे जो है बर्दाश्त नहीं करके यहाँ से वापस जाते हैं, तो वो यार अच्छा नहीं होता है। आप उतना पैसा लगा के इंडिया से यहाँ पर आ रहे हो तो फिर काम भी नहीं करोगे, फिर यहाँ से वापस जाओगे तो फायदा नहीं है, आपके लिए नुकसान है। तो यही बात है दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन मैं वो पाजी को भी दिया था कल, ऐसे ही वो पूछ रहे थे वहां पर क्या काम लगता है, कैसे लगता है। तो ड्यूटी दोस्तों यहां पर ड्यूटी का टाइमिंग होता है सुबह 6 बजे से लेकर रात में 12, 1, 2, 3 ऐसा होता है। खास करके ये 3 दिन होते हैं, जैसे कि जुमेरात के शाम से हफ्ते के शाम तक। मेरा फोन बहुत शेक हो रहा है क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों एक मिनट रोड क्रॉस कर लूं। हाँ जी, तो दोस्तों ड्यूटी होती है जुमेरात के दिन और जुम्मा के दिन और हफ्ते के दिन ज्यादा, क्योंकि ये 3 दिन होती है छुट्टी। जुमेरात के दिन तो रहता है ड्यूटी दोपहर तक, असर तक होता है, असर से चालू हो जाता है इनका पार्टी, कोई इस तरह में जाना या कहीं बाहर जाना, कोई शादी में जाना, यहाँ शादियाँ की कोई टाइमिंग नहीं है, हर दिन शादी, यहाँ पे हर जुमेरात को शादी होती रहती है। तो ऐसा ड्यूटी होता है दोस्तों, आप अगर आना चाहते हो तो अपने दिल को मजबूत बना के आइएगा, यहाँ पर आने के बाद वापस मत जाइएगा, कम से कम 1 साल तो काम करके जाइए, जो कि आप जो पैसा लगा के आते हो यहाँ पर 50 से 60 हजार, तो वो पैसा आपका 1 साल में निकल जाएगा। और एक बात है यहाँ पर दोस्तों, अपना काम खुद अपने को करना पड़ेगा, आपको एक सबक मिलता है यहाँ आने से। यहाँ यानी कि कोई भी कंट्री आप जाओ, चाहे सऊदी जाओ, चाहे दुबई जाओ, चाहे कतर जाओ, चाहे बहरीन जाओ, जहाँ भी आपकी मर्जी जाओ, आपको एक सबक मिलेगा अपनी खुद की जिंदगी जीने का, अकेले में जिंदगी काटने का,
जैसे कि अपना खुद का काम करना है, कपड़े धोना, खाना खुद बना के खाना, शेविंग करना, सब अपना खुद का काम अपन को खुद करना पड़ता है। और एक बात दोस्तों, आप जब निकलते हो काम का नाम लेके तो आपको काम करना ही पड़ेगा। आप यहाँ फिर वहाँ से आप बोलो बड़े बड़ी बात बोल के आओगे मैं वहाँ जाके 10 साल करूँगा 20 साल करूँगा, वो फायदा नहीं है। आपको मेन चीज है काम करना भाई। कुछ काम करेंगे तो रोटी मिलेगी, काम नहीं करेंगे तो रोटी कहाँ से मिलेगी? आपको बैठे जगह कौन खिलाएगा यार? ये जमाने में तो अपने खुद के माँ बाप या भाई बहन कोई आपको नहीं खिलाया जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। आप खुद मेहनत करोगे तो आपका पैसा आपको मिलेगा, आपका पेट भरेगा। तो यही बात है दोस्तों, यही बात बोलना था। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, थोड़ा वो पाजी ने तो तारीफ किया है, आपसे मोटिवेशन बहुत मिलती है, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि मैं मोटिवेशन की बातें करता हूँ। जो दोस्तों मैं कुछ स्क्रिप्टेड भी नहीं करता हूँ, जो मेरे दिमाग से बात निकलती है वो मैं वीडियो में शेयर कर देता हूँ आपसे। तो मैं जा रहा हूँ मार्केट को दोस्तों, तो चलिए आपसे मिलते हैं मार्केट में जाके। वहाँ कुछ सामान मेरे को खरीदना है, खरीद के आके खाना बना के अभी ड्यूटी ज्वाइन करना है। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, अभी टाइम हो गया है 10:45 बजे मेरे को ड्यूटी ज्वाइन करना है। थोड़ा तबीयत भी खराब हो गई जब से वो जो रेमला गांव को जो जाके आया हूँ, सऊदी का जो विलेज है वहाँ जाके आने से थोड़ा सर्दी हो गई है, आवाज में भी थोड़ा तब्दीली हो गई है। चलिए दोस्तों चलते हैं अभी नेस्टो सुपर मार्केट, वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो मैं भी पहुँच गया हूँ नेस्टो मार्केट में, सुपर मार्केट। चलिए ये स्टेप्स चढ़ के आया हूँ भाई। पड़ा हुआ इधर पाया भी ले जाना है, पाया ले जाएंगे कल बनाएंगे। भाई साहब इंडिया का नहीं है, इंडियन बीफ ये 19 रियल किलो, हाँ तो आधा किलो दे दो, हाफ के जी। सेम है ना? 600 ग्राम। ये पाया क्या खाया? पाया खाया। अब पाया फोड़ के दोगे, पाया काट के दोगे? एक दे दो। ये पूरा मार्केट भाई, ये सब पड़ा हुआ है मसाला। हमको चाहिए मसाला पाया, तो हम ये ले लेंगे मेहरान का मसाला पाया। तो ये हम ले लिए हैं भाई, हम पाया लिए है, अभी गोश लिए हैं, ये सब इधर दाल पड़ी हुई है। ऑफर है, ऑफर चल रहा है, डील्स डील्स डील्स। ये समोसा, चिकन, रसगुल्ले, रसमलाई। भाई साहब, भाई साहब 2 नूडल्स, इधर सा मिठाई, इंडियन मिठाई, जिलेबी, 2 नूडल्स छोटा स्मॉल स्मॉल भाई वरुबा। तो
भाई हमने ले लिया है पाए बकरी के और लिया है गोश्त भाई, जिसको भी गोश्त से नफरत हो उसके लिए सॉरी भाई, हमको तो आदत है हम खाएंगे, नाराज़ ना होना भाई। वीडियो देखिए, हमने लिया है शक्कर 1 किलो, कितना 7 रियाल 6 साल लगा 1 किलो है। तो अभी चलते हैं हम तरकारी के साइड में, तरकारी ले लेंगे कुछ टमाटर वगैरह। ये मार्केट है भाई, नेस्टो सुपर मार्केट है, ट्रेन मॉल जो अभी 21 नंबर है रियाद में, यहीं से मैं तकरीबन सामान लेता हूँ। तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए भाई हमारी शॉपिंग कैसी रही। ये भाई अंदर से कुछ लेके आया है, क्या ले भाई? ठीक है, तो ये है हरी मिर्ची, ग्रीन चिल्ली, केरला, इंडिया, 12 रियाल 95 हलाल। ये भाई स्टाइल मार रहा है इधर। तो इधर है कद्दू, ये बैंगन, टेढ़ा बैंगन, गोल बैंगन, सफेद बैंगन, हरा बैंगन। चलिए लेते हैं कोथमीर और प्याज। तो ये प्याज है, तो यहाँ से हम अच्छी वाली जो है वो उठाएंगे, ख़राब हो रही है जल्दी जल्दी। तो ये मैं ले रहा हूँ इसको 5 रियाल 95 हलाला, ये मैं लिया हूँ। तो अभी कोथमीर लेके चलते हैं फिर अभी घर, क्योंकि जा करके जल्दी बनाना है। इधर ये पालक, मेथी, ये बकदूनस से पुदीना और ये कोथमीर हम ले लेंगे इसमें से एक कट्टा कोथमीर का और जाएंगे घर भाई। बस ये शॉपिंग आज के लिए इतना ही। तो ये सब है खजूर, अजवा, मैं दिख रहा हूँ अभी दिख गया, सिर्फ 4-5 रियाल किलो, ये 6 रियाल और ये हरा, कितना नमूने का सेब इधर है देख लो। चलो अभी काउंटर पे जाएंगे तो टोटल कर देंगे। अपनी बंडी ये खड़ी है इधर, ये तरबूज। तो भाई लोग ये है चॉकलेट और बिस्किट सेक्शन, यहाँ पर कलर का नमूने का चॉकलेट मिलेगा आपको। तो मैं लिया हूँ ये। सफर पे जा रहे हो क्या? हाँ जी, तो दिल जलो भाइयों, ये दिल जलो गुरमीत हरियाणा जो चैनल है जो यूरोप में रहता है वो बोलता है दिल जलो, इसलिए मेरे मुंह से भी निकल गया क्योंकि मैं उसके वीडियोस बहुत देखता रहता हूँ जो व्लॉग्स बनाता है डेली। यूरोप अपने इंडिया हरियाणा का है, गुरमीत हरियाणा उसका चैनल का नाम है, देख लीजिए आप जाके वो। तो दोस्तों ये शॉपिंग हमने कर लिया है, ये 102 रियाल का हुआ है। हमने इसमें पाए और गोश्त वगैरह वो सब लिया, चावल जो वलीमा है, वलीमा मैं खाता हूँ चावल क्योंकि वो चावल अच्छा होता है। तो हमने शॉपिंग कर लिया है दोस्तों। तो आज ये था आज का हमारा वीडियो, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो ये था शॉपिंग का व्लॉग, हमने खरीदी किया है नेस्टो सुपर मार्केट से। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारा टाइम भी हो गया है, अभी हम जाते हैं रूम पे, जाके खाना वाना बना लेके सब करके खा के पी के ड्यूटी ज्वाइन करते हैं क्योंकि हमको ड्यूटी करना ज़रूरी होता है। तो चलिए अभी चलते हैं, गर्मी हो रही है फुल, हमने एसी चालू कर दिया है अभी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे बाल सही सेट नहीं है क्योंकि मेरे बाल सख्त है, सही सेट नहीं होते हैं जबकि छोटे होते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। मा सलामा।